नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इज अगेन बच्चों वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर मतलब ये पूरी रियल नंबर लाइन पे आप x की कुछ भी वैल्यू लो तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में हमेशा कैसा आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। तो मतलब हमको क्या चेक करना है, हमको ये चेक करना है कि f डैश ऑफ x ग्रेटर देन जीरो हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रियल नंबर के सेट को ऐसे ही तो लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ करना है तो बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, देखो यहाँ ना आपको ग्रेटर पॉइंट नहीं निकालने, पता है क्या, इसको हम एक ट्रिक से कर लेंगे आराम से। एफ डैश ऑफ एक्स अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² और माइनस 3x² का क्या हो जाएगा 2 आएगा आगे, तो 2 3 6 और एक्स की पावर में 1 माइनस कर देंगे तो 6x हो जाएगा प्लस 3x का क्या होगा 3 और 100 का क्या हो जाएगा 0, तो वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप 3 कॉमन ले लो बच्चों, तो यहाँ से आप 3 यदि कॉमन ले लो तो 3 क्या आ जाएगा यहाँ पर x² माइनस 3 2 6 होता है तो यहाँ 2x और प्लस 1। ये क्या है, ये क्या है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो है, चेक कर लो। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे a² प्लस b² माइनस 2ab यही तो आएगा, ठीक। अब देखो आपका f डैश ऑफ x क्या आ गया, 3 × x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक। देखो 3 तो हमेशा क्या होता है, एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 3 × x - 1 का होल स्क्वायर। तो भैया 3 तो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, सबको पता है कि 3 इज ग्रेटर देन 0, ये तो पॉजिटिव है। अब ये जो भी लिखा है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही डिसाइड करेगा कि एफ डैश ऑफ एक्स का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ गया, पॉजिटिव, तब तो एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, भैया किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्यों, आप एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो, फॉर ऑल एक्स हम लिखेंगे क्या, कि सिंस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वॉट, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वॉट 0, ठीक है। और इक्वल टू 0 भी मैंने क्या बोल दिया होता हूँ, हाँ यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग का केस था, है ना। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा इंक्रीजिंग के लिए, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। स्ट्रिक्टली तो शब्द का यूज़ नहीं किया, आप ध्यान से चेक करो क्या कि भाई जब एक्स की वैल्यू 1 लोगे, 1 भी तो किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर को, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स इज इक्वल टू 1 पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, 0 0 को इक्वल होता है, बस हम नहीं, एफ डैश ऑफ एक्स टाइम 0 को इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और x कोई भी वैल्यू लो, अगर आपने नेगेटिव वैल्यू ली, मान लो -1.2 ली, तो क्या हो जाएगा -1.2 और -1 का स्क्वायर, चेक करो ये माइनस माइनस प्लस होगा तो -2.2 हो जाएगा, -2.2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो होता है, यानी कि फॉर ऑल रियल नंबर्स मतलब x कुछ भी हो, रियल नंबर कोई भी रियल नंबर हो, तो या तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, या तो इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 कब होता है, x इज इक्वल टू 1 पे, 1 भी तो रियल नंबर में आता है। इसका मतलब कि अब ध्यान से चेक करिए, अगर ये चीज़ ऐसी है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × x - 1 का होल स्क्वायर विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वाई चेक कर लो यार, अगर हम पॉजिटिव में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और जब x 1 होगा तो 1 - 1 0 का स्क्वायर 0, 0 × 3 0, तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है तुम्हारा, यही तो तुम्हारा f डैश ऑफ x था। इसका मतलब f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, हेंस दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। कर लीजिए।